बाह्र बजीसम्म खोल्ने निर्णय लिएको थियौँ होइन। अन्त उहाँहरूले भन्दैछ यस्तो लिमिटेड टाइममा खोल्ने बन्द गर्ने गर्यो भने सधैँ 10 जना आउने ठाउँमा 100 जना आउँछ, त्यसो गर्दा चाहिँ बिमारीको सम्भावना चाहिँ अझै बढेर जान्छ। त्यही लागि तपाईँहरूले कुनै पनि कागजपत्र, सरकारी मोहर स्टाम्प लागेको कागजपत्र नआउन्छन्, जस्तो तपाईँहरूले डेली खोल्दै बन्द गर्दैछ त्यस्तै गरिदिनु, कहीँबाट कसैले पनि जबरजस्ती गर्यो भने चाहिँ थानामा आउनु भन्ने कुरा त्यस हिसाबले भन्नुभयो। अब पद पसले सङ्घले चाहिँ त्यही त मैले अस्ति सोचेको थिएँ हप्तामा 2 दिन मात्रै दोकान खोल्ने, तर मैले पनि राति सोच्दा चाहिँ 2 दिन मात्रै खुल्यो भने त साँच्ची नै भिड त बढ्छ, अनि त्यसले गर्दा असुविधा हुन्छ। फेरि जसकोमा पैसा छ त्यसले त एकैचोटि 20 किलो 30 किलो आलु किनेर लान्छ। अब अहिले मान्छेको कमाइ दमाइ पनि छैन, 1 किलो खाने ठाउँमा 1 किलै लगेर जान्छ, 3 दिन 4 दिन पुऱ्याउँछ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ अब मैले पनि यसो सोचेँ, अब यस्तो भिडहरू बढ्यो भने त हामीलाई नै डर हुन्छ, त्यही कारणले ठिकै छ हामीले जसरी खोल्दैछौँ त्यस्तो नै होस् भनेर। भोलिदेखि चाहिँ अब अहिले म सदस्यहरू अब सबै घर गइसकेँ होला, र जति सक्दो सबैलाई खबर पठाएर बिहानदेखि जसरी सधैँ खुल्दैछ त्यसरी नै खोल्ने त्यही हिसाब गर्दैछौँ। तपाईँले 12 बजीसम्म खालि खोल्ने कि के हो? हामीले चाहिँ बिहान 7 बजीदेखि 12 बजीसम्म खोल्ने निर्णय गरेको थियौँ कि, 5 घन्टाको लागि। तर त्यसो नगर्नु त्यो चाहिँ अब हामीले पनि सोच्दै थियौँ, फेरि अब पार्टीबाट पनि चिठी आयो हो, अन्त त्यसले गर्दाखेरि ठिकै छ भनेर सोचेको थियौँ। तर अहिले एसपी साहबले भन्नुहुँदैछ यो झन् डर हुन्छ, क्राउड चाहिँ बढेर जान्छ, ए कम्ती दिन दिने रहेछ भनेर मान्छेको झन् भिड हुन्छ, त्यसो नगर्नु, तपाईँहरूले चाहिँ बिहानदेखि जसरी सधैँ खोल्दैछ त्यसरी खोलिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो अहिले यस हिसाबले। पद पदले सँग चाहिँ टोटल लकडाउन चाहिँ किन गर्न नचाहेको र यस्तो पहिला पनि 105 दिन डिस्ट्रिक्टमा टोटली बन्द गरिराखेको थियो, तर अहिले हामीले त गर्नु नै चाहेको आफ्नो हामीले चाहिँ बिहान 7 देखि 12 बजीसम्म पार्टीको कुरालाई समर्थन गरेर हामी चाहिँ रेडी भएको थियौँ। अब सबैले आज त्यही अनुसारले बन्द पनि गर्यो हो, तर यहाँ एसपी साहबले भन्नुहुँदैछ त्यस्तो नगर्नु, त्यस्तो गर्दा झन् क्राउड बढेर जान्छ, लिमिटेड टाइममा दोकान खोल्ने बन्द गर्ने गर्यो भने झन् भिड बेसी हुन्छ, त्यसले गर्दा सधैँ तपाईँहरूले जसरी खोल्दैछ त्यसरी नै खोल्नुहोस् भन्ने चाहिँ यहाँ एसपी साहबको कुरा छ। अन्त एकातिर अब एसपी साहबको कुरा छ, अब उहाँको अर्डर नमान्नु पनि प्रशासनको विरुद्धमा त हामी जानु सक्दैनौँ हो, हाम्रो आफ्नो इच्छाले हामीले खोल्ने बन्द गर्नु पनि सक्दैनौँ, हामी एउटा संस्था हो। तपाईँहरू एउटा संस्था भएर संस्थाले डिसिसन लिएपछि त तपाईँहरूले आफ्नो डिसिसन त लिनु सक्नु पऱ्यो नि त, होइन? टोटली लकडाउन गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त पदपतेले सँगले, त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही त अब हाम्रो इच्छा चाहिँ थियो टोटली 7 देखि 12 सम्म बस्ने, तर अब उहाँले भन्दैछ यो रिस्क हुन्छ, त्यसो नगर्नु तिमीहरूले, यसको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने जस्तो भयो। त्यो त कसरी गर्नु अन्त, सौदा आउँछ अन्त डेली किनेर खाने मान्छे त मर्छ त अन्त, सबै त धनी छैन नि त। अब जस्तो कुल्लीहरू अहिले भारी तारी बोक्नु पाएको छैन, धेरैजना हामी जस्तो मान्छे त 100% हामी जस्तो छ, अनि पैसाको पनि कमी नै छ, पैसा छ भने त आलु 1 बोरा लडाइराख्दा पनि भइहाल्यो। अब जसकोमा जस्तो मेरोमै छैन, अहिले मैले दोकान बन्द गरिराखेको छु, मेरो सुक्खा चिजको भए अहिले मैले सब्जी पनि ल्याएको छुइनँ सिलगढीबाट, अनि त्यसले गर्दा मेरोमै पनि छैन अहिले पैसा, अनि म त 1 बोरा आलु लडाए 2 बोरा आलु लडाए भने त उधारो भए पनि सक्छु, तर पछि गएर त्यो बिक्री गर्ने होइन आफू खाने हो, त्यो चाहिँ मैले कहाँबाट तिर्ने? म जस्तै सबैकै अवस्था छ, अनि त्यो बुझेर अब यहाँ प्रशासनको विरुद्धमा जानु सक्दैनौँ हामी। अन्त त्यसले गर्दा अब 7 देखि 12 सम्म इनफ्याक्ट ठिकै थियो, तर अब मान्छेलाई असुविधा हुन्छ त्यस्तो नगरिदिनु भनेर एसपी साहबले भनेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ अन्त? अभी जो ऑनगोइंग सोशल लॉकडाउन है उसको लेकर के कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि हम लोग बहुत
स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? कई लोगों के मन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो आप लोगों को बुलाने का कारण ये है कि सबसे पहले हम अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। वो स्टैंड ये है कि जब एक तरफ डर का, अनिश्चितता का और एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, उस समय हम एक बहुत सेंसिटिव फेस लेकर के काम करना चाहते हैं। वी डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स अननेसेसरीली, या फिर अननेसेसरी पुलिस एक्शन को लेकर के लोगों के मन में डर रहे। जब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एसेंशियल सर्विसेज और फैसिलिटीज़ खुली रहेंगी, तो वो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें एक मेजर रोल जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस का है, जिसके लिए हम लोग कई दिन से कंटिन्यूस माइकिंग, अवेयरनेस और वार्निंग कर रहे हैं कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और सिर्फ जब ज़रूरत है तभी बाहर निकलना चाहिए। अभी आफ्टर सफिशेंट अवेयरनेस और कई दिन तक वार्निंग देने के बाद आज से वी हैव डिसाइडेड टू टेक सम एक्शन। आज हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है ड्यू टू दिस सोशल लॉकडाउन वायलेशन, जो कि बिना बात के इधर उधर घूम रहे थे। तो इससे हम लोग चाहते हैं कि अब लोग ये समझें कि अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर बिना किसी पर्पस के लोग इधर उधर लॉयटरिंग करते हुए या भीड़ भाड़ करते हुए पाए गए। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग कि बीच में कुछ इस तरह का कन्फ्यूजन हुआ है सोशल मीडिया न्यूज़ को लेकर के कि कुछ बंद या शॉप्स रिस्ट्रिक्शन, ये आवर्स का रिस्ट्रिक्शन करने की बात हुई है, तो ऐसा कोई भी ऑथेंटिक या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जो दुकानें, जो सर्विसेज, जो ड्यू टाइम पे जो खुली रहने की बात है वो वैसे ही खुली रहेंगी, तो इसलिए घबराने की या पैनिक होने की कोई बात नहीं है। कहीं किसी तरह का कोई लॉकडाउन ना तो अभी खुला है और ना ही कहीं कोई शटडाउन या सिलेक्टिव आवर्स या सिलेक्टिव डेज को दुकानें खुलने की बात है। जैसा जो सिस्टम चल रहा है वैसा ही सिस्टम चलता रहेगा। उन लोगों को सेक्शन 51B ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रेड विद सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड में हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। तो कल से पूरा गाड़ी वगैरह भी चेकिंग होगा, जैसे अभी इतना गाड़ी आ रहा है टाउन में, इतना आदमी जब चल रहा है, इसको ये बाइक वगैरह इतना चल रहा है, हाँ, तो उसके लिए हम लोग रैंडम चेकिंग करेंगे। आदमियों हो चाहे गाड़ियाँ हो, तो रैंडम हम लोग चेकिंग करेंगे। अब देखिए, ये अक्सर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा सोशल लॉकडाउन को एनफोर्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे पास इतनी फोर्स या इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हर एक आदमी के पीछे एक आदमी लगा के हम सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करें। इसमें एक बहुत मेजर जो पार्ट है वो पब्लिक को प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी अपनी सेफ्टी की बात नहीं है, ये पब्लिक की सेफ्टी की भी बात है। तो अभी वील बी ऑब्जर्विंग टू वे अप्रोच कि हम साथ साथ में माइकिंग और अवेयरनेस करते रहेंगे और डिफॉल्टर्स को हम प्रोसिक्यूट करते रहेंगे। जितने भी आदमी लोग चल रहे हैं उसको डायरेक्ट अरेस्ट होगा या फिर वार्निंग देकर आप लोग छोड़ देंगे? नहीं, वार्निंग तो दे ही रहे इतने दिन से, अभी हम लोग कुछ लोगों को प्रोसिक्यूट भी करेंगे रैंडमली। आप लोग को कैसे पता चलेगा ये घूमने आया है, ये शॉपिंग करने आया है, कैसे? वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे पता चले। ठीक, थैंक यू।